Peace for Ukraine or Ukraine now. Russia, just go home. With profound, humble gratitude and love to all venerated, enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy, blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 2 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. As these animals were prisoners in the cages, we all are prisoners in cages of karma, which are much stronger than these fences. Venerated Lord Diminath Bhagwan, Vegetarian. Venerated Lord Diminath Bhagwan, Vegetarian. 22nd Tirthankara of Jainism, Part 2 of 2. Continue watching to find out more. Vegan, because the animal people also love peace as we do. Today's show will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Olesis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. भारत के अति सुंदर राजस्थान का दौरा करते समय आप कैसे हैं पूछकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्थानीय राजस्थानी नागरिकों से आप उनकी मूल राजस्थानी भाषा में आप की कार होसा कह सकते हैं। परोपकारी दर्शकों, मैं मोहन हूँ। वफादार राजस्थानी लोग आपकी दयालुता की प्रशंसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पूरी मानवता सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करते हुए आपके नक्श कदम पर चले। दिव्य प्रकाश सदैव आपके साथ रहे। There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more herding. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan, make peace, so be it. Pujya Shri Neminath Bhagwan Shakahari, Jain Dharma ke Vaisve Tirthankar. भाग दो के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अपने नौवें अवतार में श्री नेमिनाथ भगवान शाकाहारी ने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त की।
और सभी प्रकार के दुख और बंधन से मुक्त हो गए। वह चेतना की उच्चतम बिंदु तक पहुंच गए जिसने उन्हें आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग पर दूसरों को सिखाने और उनका मार्गदर्शन करने की क्षमता प्राप्त हुई। उन्हें अन्य नामों से भी जाना जाने लगा, जैसे अरिष्टानेमी, अरिष्टानेमी और नेमीश्वर। नेमिनाथ नाम दो संस्कृत शब्दों से बना है जो है नेमी, नेमी यानी कि पहिए का साथी या कभी कभी वज्रपी, और नाथ जिसका अर्थ है भगवान, संरक्षक और रक्षक। दिगंबर भिक्षु आचार्य गुणभद्र शाकाहारी द्वारा लिखित जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में और भारतीय जैन संत आचार्य हेमचंद्र सूरी शाकाहारी द्वारा लिखित त्रिषष्टि शाला का पुरुष चरित्र में भी कहा गया है, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का नाम प्राचीन भारतीय देवता इंद्र द्वारा रखा गया था जो देवताओं के राजा हैं। इंद्र ने जीन को, जिसका अर्थ संस्कृत में मोक्ष प्राप्त महान गुरु होता है, धर्म चक्र के आवश्यक भाग या नींव के रूप में देखा था। जैन पौराणिक कथाओं में श्री नेमिनाथ भगवान, जिन्हें उस समय राजकुमार अरिष्ट नेमी के नाम से जाना जाता था, उनकी राजकुमारी राजीमती नाम की भावी दुल्हन थी। राजा और रानी ने उनकी शादी की व्यवस्था की। राजकुमारी राजीमती को पिछले जन्म में राजकुमारी यशोमती के नाम से जाना जाता था। अपने पिछले 8 अवतारों में वह भगवान नेमिनाथ की पत्नी थी। जिस दिन उनकी शादी हो रही थी और वे दुल्हन के गांव जा रहे थे, शाही हाथी पर सवार राजकुमार अरिष्ट नेमी ने कष्ट में रहे जानवर जन की चीखें सुनी। उनके भीतर करुणा उमड़ पड़ी और उन्होंने उस चीख के कारण के बारे में पूछताछ की। सारथी ने उन्हें बताया कि मुर्गियां, बकरी, गाय, बछड़े और हिरण सन जैसे जीव रो रहे हैं, क्योंकि वे शादी की दावत के लिए मारे जाने वाले हैं जिसमें कई लोग शामिल होंगे। राजकुमार अरिष्ट नेमी को अत्यधिक दृढ़ संकल्प के साथ उस पर हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजकुमार ने कहा, If I agree to be the cause of the butchering of so many living beings, my life and the one to come will be filled with pain and misery, so I will not marry. Immediately arrange for the release of all these creatures. यह खबर तेजी से पूरे बारात में फैल गई, जिसमें दहशत फैल गई। यादव वंश के वरिष्ठ सदस्यों ने राजकुमार अरिष्ट नेमी को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने का भरपूर प्रयास किया। इस बीच दुल्हन राजकुमारी राजीमती सदमे और दुख से अभिभूत होकर बेहोश हो गई। राजकुमार अरिष्ट नेमी को हर चीज की क्षणभंगुर प्रकृति और सांसारिक खुशियों की शून्यता समझ में आ गई। उन्होंने अपने कुल के बुजुर्गों से कहा, As these animals were prisoners in the cages, we all are prisoners in cages of karma, which are much stronger than these fences. See the feeling of joy evident in the animals released from the cages. Know that happiness is in freedom, not in bondage. I want to tread the path of breaking this bondage of karma and embrace eternal bliss. Please do not stop me. Is confining, tormenting, and murdering animal people according to your nation's animal protection laws? Oh, not at all. So world leaders and world citizens, stop it now. राजकुमार अरिष्ट नेमी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते थे। राजकुमारी राजीमती ने उनके फैसले का समर्थन किया और वह भी अपना सांसारिक जीवन त्याग कर भिक्षुणी बन गई। राजकुमार अरिष्ट नेमी ने अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और अपना शाही जीवन त्याग दिया, खुद को पूरी तरह से आध्यात्मिक मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उन्हें अपनी तपस्या और ध्यान के 54वें या 56वें दिन आत्मज्ञान और सर्वज्ञता प्राप्त हुई थी। उन्होंने कर्म के सिद्धांतों के साथ साथ आत्मा और ब्रह्मांड के सार की गहन समझ प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सभी प्रकार के अज्ञान, मोह और पीड़ा से मुक्त कर लिया।
उन्होंने अतीत, वर्तमान और भविष्य की संपूर्णता को समाहित करने वाला ज्ञान भी प्राप्त किया। श्री निमिनाथ भगवान की वैराग्य की दिल को छू लेने वाली कहानी, जिसे दीक्षा कल्याणक के नाम से जाना जाता है, वे कविताओं, गीतों और कलाकृतियों के माध्यम से स्मरण की जाती है। उनके कार्य अहिंसा के अभ्यास का प्रतीक हैं और किसी भी शारीरिक संपर्क के बिना होने वाले गहरे और बंधनकारी प्रेम के असाधारण अगलाव को दर्शाते हैं। यह सम्मान मुख्य रूप से दर्शाते हैं कि कैसे जानवर जनों के प्रति करुणा, प्रेम और समर्पण व्यक्तियों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जा सकते हैं। यह कहानी इस विचार पर भी प्रकाश डालती है कि सच्चा प्रेम भौतिक चीजों या भौतिक सुख के प्रति लगाव के बारे में नहीं है, बल्कि यह निस्वार्थता और उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण के बारे में है। Vegan, stop viruses and climate change. ईमानदार दर्शकों, आइए अब हमारे हृदय के भीतर रहे ईश्वर पर चिंतन करने के लिए समय निकालते हैं। हम तुरंत वापस आएंगे यहाँ सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर। We pray for Ukraine or Ukraine. पूज्य श्री नेमिनाथ भगवान शाकाहारी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भाग 2 के दूसरे भाग में आपका पुनः स्वागत है। श्री नेमिनाथ भगवान ने ध्यान करने के अलावा उपवास और शारीरिक कठिनाई को सहन करने जैसी कठोर तपस्या की। अपने मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय पाने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उच्च स्तर का आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण अपनाया। श्री नेमिनाथ भगवान की शिक्षाएं कई जैन ग्रंथों जैसे कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और तत्वार्थ सूत्र में पाई जाती हैं। नेमिनाथ पुराण जो उनके जीवन और शिक्षाओं का विवरण देता है, कहता है कि उन्होंने पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात में गिरनार पर्वत के शिखर पर रहते हुए मोक्ष या निर्वाण प्राप्त किया था, जो आध्यात्मिक अभ्यास का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए गिरनार मुक्ति की भूमि का पर्याय है और जैनियों का पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ स्वर्गदूतों और स्वर्गीय संगीतकारों ने उन्हें घेर लिया था, जिन्होंने प्रशंसा और आराधना के गीत गाए थे। गहरे ध्यान में प्रवेश करने के बाद उन्हें सभी प्रकार के कष्टों से पूर्ण वैराग्य और मुक्ति प्राप्त हुई। ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने जीवन के विभिन्न चरणों में दिव्य संगीत का अनुभव किया था। उनके जन्म का संगीत स्वर्ग में देवताओं द्वारा भी सुना गया था। भगवती सूत्र में बताया गया है कि कैसे श्री नेमिनाथ भगवान दिव्य आभा और स्वर्गीय धुनों से घिरे हुए थे। स्वर्गीय संगीत उनके दिव्य स्वभाव, शुद्ध समरसता, आध्यात्मिक शुद्धता और भक्ति, सदाचार, आध्यात्मिक अभ्यास और भौतिक इच्छाओं से मुक्त वैराग्य के माध्यम से प्राप्त आनंदमय स्थिति के भी प्रतीक हैं। इन ग्रंथों के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोगों को अहिंसा, करुणा, विश्वास, ज्ञान, सही आचरण और आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग समझाने और सिखाने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। Does tormenting, confining, and murdering animal people fit in with religious, ethical laws? You know well, it's not. So
So faithful leaders and faithful citizens, stop it now. जैन पौराणिक कथाओं में श्री नेमिनाथ भगवान ने ऐसे समय में अवतार लिया था जब लोग हिंसक और भौतिकवादी हो गए थे, और इसलिए उन्होंने उन्हें शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करके जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के महत्व पर जोर दिया। इसलिए श्री नेमिनाथ भगवान को भारत में जैन धर्म को एक महत्वपूर्ण धर्म बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। जैनियों का मानना है कि सभी जीवित प्राणियों में एक आत्मा होती है, और किसी भी जीवित प्राणी को अनजाने में भी नुकसान पहुंचाने से खुद की आत्मा को नुकसान होता है। उनका कहना है कि सच बोलना करुणा का कार्य है और झूठ बोलना स्वयं और दूसरों के लिए हानिकारक है। उनका यह भी मानना है कि भौतिक संपत्ति और इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं और व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने से रोकती हैं। There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Argentina is one of them. Argentina Law 14346, ill-treatment and acts of cruelty to animals. In Argentina, acts of cruelty and abuse to animal people can be punished with imprisonment of up to 1 year. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. जैन धर्म में अन्य श्रद्धेय विभूतियों के समान श्री नेमिनाथ भगवान को उनके विशेष दिव्य गुणों के कारण विभिन्न आध्यात्मिक क्षमताओं का स्वामी माना जाता है। नेमिनाथ पुराण में कहा गया है कि वह भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते थे, बीमारियों को ठीक कर सकते थे और मृतकों को पुनर्जीवित कर सकते थे। कल्प सूत्र में कहा गया है कि वह तत्वों को नियंत्रित करने, हवा में उड़ने, पानी पर चलने और भ्रम पैदा करने में भी सक्षम थे। भगवती सूत्र में बताया गया है कि कैसे वह पशुजनों के साथ संवाद करते थे, मौसम को नियंत्रित करते थे और अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्होंने राक्षसों का सामना करके उन्हें पराजित किया था। जैन ग्रंथों के अनुसार श्री नेमिनाथ भगवान के 11 प्रमुख शिष्य या गांधार थे। उनके संघ या धार्मिक व्यवस्था में 18,000 साधु और 44,000 साध्वियां शामिल थीं, जैसा कि कल्प सूत्र में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर 1,000 वर्ष तक रहने के बाद श्री नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत पर शाश्वत निर्वाण में चले गए। कहा जाता है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में श्री नेमिनाथ भगवान के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की है, जिन्होंने जैन धर्म के मूल सिद्धांत को मूर्त रूप दिया है। आज भी श्री नेमिनाथ भगवान जैनियों के बीच अत्यधिक पूजे जाते हैं। हम उन आत्मज्ञानी गुरुओं के प्रति अत्यंत आभारी हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमारी दुनिया को आशीर्वाद दिया है। सभी प्राणियों को एक जीवित आत्मज्ञानी गुरु का अनुसरण करने और इस जीवन काल में मुक्त होने का सौभाग्य मिले। People rarely give me a hard time about being vegan because I'm typically stronger than them, so it's never been much of an issue for me. My best advice for a new vegan lifter that may face a lot of criticism is to simply get stronger than the critics and let your results speak for themselves. Brady Crandall, vegan. नेक दर्शकों, आज आपकी साथ के लिए धन्यवाद। आगे आ रहा है जोंजू का स्वाद, पारंपरिक कोरियाई व्यंजनों का घर, हानसांग टेबल सेटिंग और होंग पोमक या पीली मूंग बीन की जेली, भाग 2 का भाग 1, यहाँ सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर।
हम ईश्वर के शाश्वत आनंद से परिपूर्ण रहें। Noble viewers, thank you for your company today. Coming up next is The Flavors of Jeonju, home of traditional Korean cuisine, part 1 of 2. Hansang table setting and Hawam Pomak or Yellow Mung Bean Jelly here on Supreme Master Television. May we be filled with eternal bliss from the divine. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Russia, leave Ukraine or you reign now. Peace be with you too. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ls. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/ls. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/ls. 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule 和 suprememastertv.com/ls。